नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को रियासत में लाने की मंशा जताई है। शुरुआती दौर में 1,00,000 युवाओं को आगे लाने की बात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी तौर पर उस मुद्दे को आगे बढ़ाया है जो अभी तक मिशन मोड में नहीं था। हालांकि अभी भी देश की कई राजनीतिक पार्टियों और सियासी दलों ने ऐसे युवाओं को मौका दिया है जिनके परिवार में पहले कभी कोई सियासत में नहीं था, लेकिन जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लाल किले के ऐसे युवाओं को सियासत में लाने की मंशा जताई है वे सियासी नजरिए से एक बड़े प्रयोग के तौर पर देखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों में युवाओं ने छात्र संघ चुनाव की मांग कर डाली है जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, छात्र राजनीति से जुड़ रहे हैं। नेताओं का मानना है कि सियासत की नर्सरी में गैर राजनीतिक परिवार के युवा यहां से आगे बढ़ते हैं, इसलिए जिन राज्यों में चुनाव नहीं होते वहां पर इसको शुरू कराया जाना चाहिए। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद हरियाणा सरकार भी हरकत में आ गई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों में डॉक्टरों, छात्रों और नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि कॉलेज परिसर में जहां भी सुरक्षा, सीसीटीवी और परिवहन की जरूरत हो तत्काल कार्रवाई करें। भारतीय खेल जगत ने खेल पंचाट द्वारा पहलवान विनेश फोगाट की अपील खारिज करने पर निशाना व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरा देश इस खिलाड़ी के साथ है और उनके लिए वह एक चैंपियन है। खेल पंचाट के तदर्थ प्रभाव ने पेरिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं के 50 क्रीगा भार वर्ग के फाइनल में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विनेश की अपील को बुधवार को खारिज कर दिया है। इससे रजत पदक हासिल करने की उम्मीद खत्म हो गई है। पेरिस ओलंपिक खेल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की मशहूर हस्तियों के बारे में बात की। अब इसी संबोधन पर कांग्रेस का गुस्सा भड़क गया है। सबसे पुरानी पार्टी ने राष्ट्रपति के संबोधन में स्वतंत्रता आंदोलन की मशहूर हस्तियों में जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही आरोप लगाया है कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री को इतिहास से मिटाने के अभियान का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। यह सुनिश्चित करना हमारे देश की जिम्मेदारी है कि उन्हें किसी तरीके के अन्याय और अत्याचार का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरएसएस मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद ये बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप रही है। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का जुमला हर भारतीय के साथ विश्वासघात का प्रतीक है। खड़गे ने बेरोजगारी से जुड़े एक समाचार रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है जिसमें कहा गया है कि मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1,257 पदों के लिए 1.11 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पोस्ट किया कि मोदी सरकार एक हादसेपद प्रचार अभियान के रूप में संदिग्ध रोजगार डाटा का उपयोग कर रही है जिसे अवैतनिक श्रम और प्रति सप्ताह 1 घंटे के काम की गणना करके काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इलाज नहीं मिलने की वजह से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। आप इलाज के लिए प्रतिबद्ध हैं, 5 दिन हो गए हैं, आपके पैर पकड़ती हूँ, आपने एक आंदोलन किया, किसी ने नहीं रोका। मेरा निवेदन है कि अब आप काम पर लौट आइए। वरिष्ठ डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, मैं आभारी हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले शुरू की जाने वाली लड़की बहन योजना का ट्रायल किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को बताया कि कुछ चुनिंदा लाभार्थियों के बैंक खातों में 2 महीने की किस्त यानी कि 3,000 रूपए स्थानांतरित की गई है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की वंचित महिलाओं को 1,500 रूपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं जून के बजट में घोषित इस योजना से राज्य के सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 46,000 करोड़ रूपए का बोझ आएगा। योजना का ट्रायल सफल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, हम अपने शब्दों पर खरे उतरे हैं। हमने वादा किया था कि हम उन महिला लाभार्थियों को 3,000 रूपए हस्तांतरित करेंगे जिनके बैंक खाते के विवरण की जांच की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने महिलाओं को सलाह दी कि उन लोगों से सावधान रहें जो इस योजना की आलोचना कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव 24 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।